बुधवार को महा नाले के तटबंध का चार जगहों से टूटने का जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। ली बस तो स्थिति की जानकारी। आपको बता दें कि पिछले चार दिनों से हो रहे भारी बारिश की वजह से वह नेपाल राष्ट्र से भारत में आने वाली नालों और नदियों में पानी था। सिल्ट आने से नाले व नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी वर्षा से गंडक नदी जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं कई नदियां खतरे के निशान को छूने वाली हैं। महानाले का तटबंध चार जगहों से टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गया है, वहीं कई घरों में पानी घुस गया है। जनपद में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और महा के चार तटबंधों को टूटने के बाद जिलाधिकारी ने नौतनवा SDM राम सजीवन मौर्य, सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों को बाढ़ से संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया गंडक बैराज 4 लाख क्यूसेक बह रहा है, वहीं अन्य नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश से अन्य नदियों का भी खतरे के निशान पर आने की आशंका है। सभी तटबंधों की निगरानी की जा रही है। चंदन और पास नदी खतरे के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। SDM और BDO को निर्देशित किया गया है, जहां भी आबादी में पानी घुसने की सूचना मिलेगी तुरंत नाव राहत सामग्री की व्यवस्था करेंगे। हाँ, अभी जो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव चार जगह से टूटा है और वहाँ पे विष्णुपुरा में एक जगह, दो जगह खैरवा दुबे में और एक जगह महुआ में। इसके अलावा जो गंडक नदी है उसमें जलस्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है। इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आएगी। सभी तटबंधों की रक्षा की जा रही है। चंदन और प्यास नदी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रहे हैं और सभी तटबंधों पर हमारे अधिकारी मौजूद हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे SDM BDOs को बताया गया है कि निगरानी करते रहेंगे। जहाँ से भी अगर आबादी में पानी घुसने की संभावना दिखती है वहाँ पर नाव की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था तत्काल कराएंगे। मेल भार किस तरह की दिक्कत हो रही है तुम लोग? ये गांव में सब पानी घुस रहा है, हम लोग ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं, दिक्कत यही है। पूरा ये वगैरह फेंक दिया है पानी बाढ़ से। गांव में पानी घुस रहा है? हाँ, गांव में पानी घुस रहा है, देखिए इधर। अच्छा, तो कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? ऊंचे स्थान पे रह रहे हैं। डर बना हुआ है? हाँ, डर बना हुआ है। कोई मदद? मेल भार है। दोनों तरह के दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बघेला बहा दे बा, महा बहा दे बा, दोनों नदी बहा दे, परेशानी हमन के बा। गांव किनारे घर में घुस गई बा पानी। और दूसर का करिए, यार बार भगत बिलवारी बाटी सब जहाँ डांड पाओ तरी वहाँ जाते हैं। प्रशासन की तरफ से आए? हाँ, प्रशासन की तरफ से कौन आए साहब? अच्छा, गाँव में पानी घुस गई? हाँ, गाँव में पानी घुस गई। कहाँ रहा? हम महुलानी रह। अच्छा, ऊंचा स्थान पे रहता है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।